अभी अभी जानकारी सामने आ रही है कि चंद्रयान 2 को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सटीक जानकारी का पता लगा लिया है। ऑर्बिटल ने विक्रम लैंडर के थर्मल इमेज भी ले ली है। ये बात खुद इसरो के प्रमुख के सिवन ने कही है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने अभी ये कहा है कि अभी तक विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही संपर्क स्थापित हो जाएगा। यह खबर चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद बहुत ही बड़ी जानकारी के तौर पर देखी जा रही है। यह खबर मिली है कि विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली जगह से 500 मीटर दूर मिला है। चंद्रयान 2 में लगे विहार रिजर्वेशन कैमरा ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली गई है। इसरो से लगातार विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को लगातार संदेश भेजा जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन शुरू किया जा सके। भविष्य में विक्रम लैंडर कितना काम का उपयोग होगा इसका अनुमान डाटा एनालिस्ट से पता चल जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि विक्रम लैंडर के लैंडिंग के 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क क्यों टूटा गया है। इसकी यह वजह भी हो सकती है कि विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजन में से एक का विफल होना उसको अपनी तय मानी दूरी से विफल कर सकता है। इसी से सारी समस्या शुरू हुई और इसरो के वैज्ञानिक इसी पर काम कर रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि अगले 3 दिनों में विक्रम लैंडर को ढूंढ लिया जाएगा। एक सीनियर साइंटिस्ट ने कहा था कि लैंडर विक्रम अगले 3 दिनों में मिलने की संभावना है। जिस जगह विक्रम लैंडर का संपर्क टूटा था उस जगह ऑर्बिट को पहुंचने में 3 दिन लग सकते हैं। आखिरी के तय मानी दूरी 2.1 किलोमीटर पहुंचने के पहले वह अपना संपर्क टूट गया था। इसरो की तरफ से यह बयान आया है कि विक्रम लैंडर की अभी भी मिलने की संभावना है। ऑर्बिटल की उम्र 7.5 साल से ज़्यादा है, ना कि 1 साल की, जैसा कि पहले बताया गया था। इसकी वजह है कि ऑर्बिटल के पास और भी ज़्यादा इंजन बचा हुआ है। ऑर्बिटल में लगे हाई टेक इक्विपमेंट से विक्रम लैंडर की मिलने की संभावना है। इसरो चीफ ने कहा है कि विक्रम लैंडर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। इसरो चीफ ने कहा है कि विक्रम लैंडर को अगले 14 दिन में पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे।